गाइज आप देख सकते हैं ये नई छपाई का काम शुरू हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इतने सारे पल्ले यहाँ पे छप गए हैं, ये सारे सूख भी रहे हैं साथ ही में। गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है रॉबिन। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं कृष्णा को लेने के लिए, क्योंकि उसका जो आज से स्कूल चालू हो गया था तो वो गया है स्कूल, तो अभी उसकी छुट्टी हो गई होगी, तो वहाँ से लेके उसको आते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि वो क्या कर रहा होगा। उसको वैसे स्कूल जाने में बहुत अच्छा लगता, मुझे तो स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर उसे स्कूल जाने में बहुत मज़ा आता है। वो अपने दोस्तों के साथ भी वहाँ पर खेलता रहता है, उसका टाइम हो चुका है, तो अभी पहुँचते हैं वहाँ पर और फिर दिखाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे साहबगंज चौराहे पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम वगैरह है ये मंदिर के। गाइस आप देख सकते हैं ये है कृष्णा, वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है और अभी यहाँ पे ये आ रहा है कृष्णा, ये आया भागते हुए, ये आ रहा है, ये आ रहा है। गाइस हमने जो अपने कृष्णा को था वो ले लिया है और हम लोग निकल गए हैं घर को, उठा लिया है गाइस और अब चलते हैं। ये बैठा है पीछे कृष्णा यहाँ, हेलो गाइस, और अभी चल रहे हैं घर को, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस आप देख सकते हैं ये नई छपाई का काम शुरू हुआ है यहाँ पे, ये पुनीत जो है स्टापर से बैग छाप रहे हैं, वो रहेगा कलर अभी तुम्हारा, आपका नंबर तुम्हारा नंबर रहेगा। चलो कोई बात नहीं, पहली बार है। अरे वो पल्ला भी उठ गो यार, पल्ला उठ गो, सही छपो है बिल्कुल एकदम बापा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो है एक पीस जो है वो छप गया है और ये रोहन जो है यहाँ पे फैलाने जा रहे हैं। हम तो कह रहे थे ऊपर छत पे डाले आते, सूख जाते। हाँ जी सही छपो, कहाँ गए पल्ला? तो गाइस ये रखे हैं पल्ला, सीधा उल्टो देख के छपी देखते हैं। ये इतने सारे पल्ले यहाँ पे छप गए हैं, ये सारे सूख भी रहे हैं साथ ही में, और कुछ सही भी छपे हैं, कुछ ख़राब भी हुए हैं, पर उनसे कोई दिक्कत नहीं, पर ठीक है। देखिए आप सब सारे मतलब ये बैग है जो चढ़ावे में चढ़ता है वो वाला बैग है ये, इसीलिए ये मशीन से जो है वो नहीं छप सकता है, तो क्या है कि इसको स्क्रीन से ही छापना पड़ता है, क्योंकि पल्ला जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसमें चैन वगैरह भी लगेगी, तो इसीलिए। अभी आप देखिए रोहन और पुनीत दोनों लोग बैठे हैं, ये चला रहे हैं इस टॉप पर, सूखो रहेगा पुनीत तुम्हारो, अब कलर ख़त्म ही है, जो बस जी छापो बस ख़त्म, स्टापर झाड़ लो। ये सब देख सकते हैं ये सब ऐसे छपता है ये। कलर एक और छाप दिए, वो सब पोंछ के डालने पड़िए बस, पल्ला ऊपर ही चलोगे यार। पर वो कलर सब पहुँच के मैं जानी है बढ़िया। आप देख सकते हैं ये सब छप गया है और पुनीत यहाँ पे हाथ धोने लगे हैं, क्योंकि इनके हाथों में लग गया कलर। ये बोर्ड उठा के खड़ा करते हैं, फिर ये जो सूख जाएंगे इनको उठा के खड़ी करके रख देंगे, उसके बाद फिर हम अपने फ्रेम धुलाई का काम चालू करेंगे। ये सब गड़बड़ हो रही है, अंदर आप देख ही सकते हैं यहाँ पे चल रहा है। कुछ कर रहे हैं यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
अच्छा नहीं है बैठे जा नहीं है, ऑरेंज कार्ड हुई है, ऑरेंज ऑरेंज कार्ड हुई है जा। हरी वाली जो है वो घर की है जी। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप चेंज कर, देखें टार्च दिखाऊं। तो गैस यहाँ पे जी वाली जो बड़ी वाली मशीन है इसको देखते हैं सही करके। यहाँ पे ये रखा, ये हमारा इलंकी सेट है जो कि इसमें लगा नहीं था, तो अभी दूसरी मतलब इलंकी लेके आए हैं उसको लगा के चेक करते हैं। क्या था कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये मोटर वगैरह जो था वो सब सही कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे दोनों मशीनों का मतलब ओके कर दिया है। पर क्या है कि अभी आज सुबह से जो हमारा मतलब बिजली का ट्रांसफार्मर है वो फूका हुआ है, तो इस वजह से लाइट नहीं आ रही है। इसी वजह से अभी कोई भी काम नहीं हो पाया और ना ही मशीनें चेक हो पाई हैं कि सही हो गई हैं या नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारा केमिकल वगैरह चढ़ा रखा है पर अभी कोई भी डिज़ाइन जो है वो उठी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं लाइट आ जाए उसके बाद चालू करते हैं। तब तक क्या है कि रोहन आया उधर प्लाट पे, तो देख के आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं चल के। पूरे कारखाने में देख सकते हैं आप गाइस कि अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है, ठीक है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लड़के भी आज जल्दी चले गए हैं काम पे से और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है। और ये खड़ा है अपना स्कूटर और ये बुलेट भी खड़ी हुई है, इसको भी लेके चलेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। और इसकी भी मुझे सर्विस करानी है स्कूटर की, क्योंकि इसमें से क्या है देखिए ये यहाँ पे ऑयल वगैरह इसमें से लीक हो रहा है पता नहीं क्यों, तो एक बार इसको एजेंसी ले चलेंगे और फिर दिखाएंगे वहाँ पे। तो अभी निकलते हैं हम लोग प्लाट की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो यहाँ पे जो है जी लूप सुलझा रहे हैं, ये देखिए पुनीत भाई साहब, आज तुम तैयार बहुत अच्छे से भाई थे, क्या बात है, आज मिलन गए थे क्या है? नहीं आज तुम घड़ी अड़ी बार बांध के आए हो इसी पट्टा वाली एकदम, कब बांधा तो ऐसे ना तो बांध दाढ़ी आड़ी भी सब सेट है। होली कराई थी ये ऐसे सुलझानी पड़ती है इसको पहले और फिर ये कटेगी। अबे ये लूप और निकाल रहे हैं, ये झाल में रखी हुई है और ये निकाल के और ये करते हैं। यहाँ तो काम हो ही रहा है, ठीक है, अब उधर क्या है दूसरे वाले कारखाने में जहाँ पे डिजाइन पे वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, तो वहाँ लाइट आ चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। रोहन वगैरह नहीं है, झाल वगैरह बांध लिए, तो पुनीत वगैरह ये लेके जा रहे हैं और हम और रोहन जो है वो जा रहे हैं कारखाने में, ठीक है। और दूसरा क्या था कि मम्मी गई हैं मार्केट क्योंकि उनको कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं, तो मतलब नवरात्रि स्टार्ट हैं तो मम्मी जो है पूजा की सामान वगैरह लेने गई थी, तो उनको हमें लेने जाना है।
रोहन को कारखाने छोड़ देंगे और वहाँ पे। गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ से टट्टी में, क्योंकि मम्मी जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है वहाँ पे, कोतवाली के पास में खड़ी हैं और मैं हो गया हूँ लेट। और ये रही मम्मी, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे खड़ी हैं मम्मी, यहाँ दे रही हैं ये फल वगैरह और फल देखे, और फिर हम लोग निकलते हैं। गाइस हम लोग वापस जो है वो निकल चुके हैं यहाँ से, मम्मी को ले लिया है और टाइम हो रहा है, वो टाइम हो रहा है 3:30 मतलब 4:15 का टाइम हो रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं कारखाने में, काम चल रहा है क्योंकि मशीनें हैं यहाँ पे। आज क्या था कि पूरे दिन जो है वो लाइट नहीं आएगी, तो उस वजह से क्या था कि मतलब जो काम था वो नहीं हो पाया था। तो अभी ये फ्रेमें वगैरह उठी हैं, ठीक है, अब इनकी धुलाई करना बाकी है, कुछ की धुलाई कर भी दी है, ये बाहर रखी हुई हैं फ्रेमें, आप देख सकते हैं खुली हुई अभी यहाँ पे। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि कितनी मेहनत वगैरह होती है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर है, शेयर कर दीजिए अगर है, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।